मम्मी जायका में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है खसखस का हलवा। माइग्रेन हो या सिर दर्द हो, नींद नहीं आती हो या हाथ पाँव में बहुत कमजोरी या दुखावा होता हो, हर चीज़ के लिए बहुत लाभदायक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी सामग्री इस प्रकार है। ये मैंने 50 ग्राम खसखस लिए, इसको मैंने पूरी रात पानी में भिगो दिया था और इसका पानी निकाल लिया। एक मिक्सी के जार में इस खसखस को डालेंगे, थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसका एकदम बारीक पेस्ट तैयार करेंगे। ये देखिए कितना बारीक पेस्ट तैयार हुआ। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें 2 से 3 टेबल स्पून घी डाल देंगे। गैस का फ्लेम स्लो ही रखें। अब इसमें खसखस डाल देंगे। खसखस को 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पे अच्छे से सेक लेंगे। इसको हिला हिला के सेकें, बिल्कुल भी ना छोड़े ताकि ये चिपके नहीं। पाँच मिनट हो चुके और खसखस अच्छे से सीक चुकी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें 50 ग्राम दूध मैंने पीसने में डाला था, बाकी का 200 ग्राम दूध पूरा इसमें डाल देंगे। ये हाफ कप मलई है, इसे डाल देंगे। 100 ग्राम जितनी शक्कर डालेंगे और इन सबको अच्छे से पका लेंगे। जब तक कि दूध और शक्कर का पानी पूरी तरह से नहीं सूख जाता तब तक हम इसे स्लो से मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखिए दूध और शक्कर का पानी दोनों सूख चुका। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर डालेंगे, कटे हुए बादाम, पिस्ते और काजू है ये डाल देंगे और थोड़ा सा चॉकलेट एसेंस डालेंगे। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, 2-3 ड्रॉप ही डालें। इन सबको अच्छे से मिला के 2-3 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे। खसखस का हलवा माइग्रेन की तकलीफ़ के लिए, जोड़ों में दर्द, कमजोरी, रात को नींद नहीं आना, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे हमारे को रात को नींद भी अच्छी आती है, हमारा सिर दर्द भी नहीं होता है और कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाती है। आप इसे रात को थोड़ा सा खा के ऊपर से गर्म दूध पी लें तो बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा ये। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और खसखस का हलवा पूरी तरीके से पक चुका है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे सर्व करते हैं। ये देखिए हमारा बहुत ज़्यादा टेस्टी और सिर्फ 10 मिनट में तैयार होने वाला खसखस का स्पेशल हलवा, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती है तो लाल बटन पर सब्सक्राइब कीजिए, पास ही में बेल का बटन है उसे दबाइए। इससे आप रोज हमारी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देख सकते हैं और हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए।